आज के वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ लिक्विड डाइट टू लूज वेट फास्ट। बहुत ही जल्दी आप लोगों का फुल बॉडी फैट लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं अगर आप फॉलो करेंगे इसी डाइट प्लान को, क्योंकि इसी लिक्विड डाइट फॉर वेट लॉस को फॉलो करके मैंने अपना क्विक वेट लॉस कर लिया था जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी। एक टाइम ऐसा आया था जब वजन कम ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसी डाइट का सहारा लिया था एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी सारा दिन, क्योंकि पता ही नहीं चला कब मेरे को एकदम भरा भरा महसूस भी होता था पूरे दिन में, और तो और हंगर पैंग्स भी नहीं होते थे। इनफैक्ट उन 2-3 दिन के लिए जब तक मैंने डाइट फॉलो करी थी मुझे एकदम फ्रेश फीलिंग आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया की एनर्जी मेरे अंदर समा गई हो। और मैं ही नहीं, मेरे क्लाइंट्स को भी मैं यही वाली डाइट देती हूँ जब उनका या तो वेट लॉस प्लेटू हिट कर देते हैं, उनका वजन ही कम नहीं हो रहा, या फिर हाईली ओबीज कैटेगरी जिन लोगों का बीएमआई बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। आप सब तो जानते ही हैं अगर वजन बहुत ज्यादा हो तो ये हमारे इंटरनल सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन सारी प्रॉब्लम से जूझने से अच्छा है जल्दी से अपना वजन कम कर लो। अगर आप इस वाली डाइट को फॉलो करेंगे आपका बहुत ही अच्छा डिटॉक्स हो जाएगा, आपका पूरा सिस्टम अंदर से क्लेंज हो जाएगा, जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है आपके शरीर के अंदर सारा गलत खाना खाने की वजह से वो सारे का सारा टॉक्सिन्स बन के बाहर निकल आएगा। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट, इजी टू फॉलो डाइट प्लान है जो सस्ते दामों पे घर पे अवेलेबल चीजों से आसानी से बनाया जा सकता है। और हाँ, डोंट वरी, टेस्ट भी एकदम टिप टॉप मिलेगा, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी फूडी हूँ, जब तक टेस्ट अच्छा ना हो मैं नहीं खा सकती, चाहे मैं मोटी हूँ या पतली, ये बात तो पक्की है। तो देर किस बात की है, आइए जल्दी से मैं बताती हूँ आपको इस चमत्कारी वेट लॉस लिक्विड डाइट प्लान के बारे में। तो दोस्तों, सुबह सुबह आप लोगों ने लेनी है मॉर्निंग ड्रिंक। हम यहाँ पे लेंगे फेनोग्रीक सीड वाटर जो कि है मेथी दाना, आराम से सबके घर में अवेलेबल होता है और बहुत ही अच्छा फायदेमंद, जितना भी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से आपको हंगर पैंग्स, ओवर ईटिंग महसूस होती है, उन सबको काबू करेगा। तो इसको रात को ही भिगो के एक चम्मच हम रख देंगे एक टॉल शीशे के ग्लास में, और सुबह इसी पानी को उबाल के सिप करके आप लोगों ने पीना है। अब जल्दी जल्दी इसको पी लो, मैं मिलूंगी आपको नाश्ते में। ये देखिएगा, आ गया है मेरा नाश्ता, बन के बिल्कुल है तैयार, और देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्मूदी है, एकदम क्रीमी टेक्सचर की, और बहुत ही कम कैलोरीज भी हैं। आई एम श्योर आप लोग बेताब हैं इसकी रेसिपी जानने के लिए, तो आइए मैं दिखाती हूँ। दोस्तों, सुबह सुबह सर्दियों में ज्यादा तामझाम करने का मन नहीं करता नाश्ता बनाने के लिए, तो मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बड़ी ही टेस्टी क्रीमी फ्रेश फ्रूट मिल्क शेक। इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे सीजनल फ्रूट्स यानी कि स्ट्रॉबेरीज, यहाँ पे मैंने ली हैं 4 से 5 दाने, और मैं ले रही हूँ एक पूरा केला, और मैं इसके अंदर डालूंगी बादाम जो कि भीगे हुए छीले हुए कम से कम 4 पीस, और हम डालेंगे इसके अंदर दूध जो कि है स्किम्ड मिल्क बिना फैट के, और अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा ग्लास पानी। तो बस हमारा ये जो मिश्रण है ब्लेंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जल्दी से ब्लेंडर का ढक्कन लगाएं और इसको हम ब्लेंड करें, और एकदम इसका जो टेक्सचर है क्रीमी आएगा, ये आपको एकदम फुलनेस की फीलिंग देगा जैसे ही आप इसको कंज्यूम करेंगे, और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। एकदम जो मिठास है फ्रूट्स में से स्ट्रॉबेरी और केले में, वो इसको एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, और फ्लेवर भी इसका बड़ा ही खुशबूदार है, और देखिए कलर कितना खिल के आया है। बस अब इसको चंद पिस्ता के पीसेस से हम कर देंगे डेकोरेट, और ये है रेडी पीने के लिए। भाई वाह, इसे कहते हैं नाश्ता। और दोस्तों, अब आती है बारी हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना आपने। इस टाइम पे मैं ले रही हूँ मेरी फेवरेट छास। इसकी रेसिपी देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे वाह, इसका स्वाद तो बेहद बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, इसको जरूर ट्राई करिएगा, झटपट बन के तैयार हो जाती है। और जिन लोगों को इस टाइम पे छास नहीं अच्छी लगती वो ले सकते हैं कोई भी हर्बल टी, एकदम गर्मा गर्म अपने लिए कोई भी ऑर्गेनिक हर्बल या फिर ग्रीन टी बनाइए और उसको ले सकते हैं।
तो जल्दी से आइए, इसकी रेसिपी मैं दिखाती हूँ। दोस्तों, सॉल्टेड लस्सी यानी कि छाछ बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। आइए मैं दिखाती हूँ आज मेरा तरीका, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत है और तो और फाइबर कंटेंट भी। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर भुना हुआ साबुत जीरा, और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भुना हुआ पिसा हुआ फ्लैक्सीड पाउडर। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी अदरक घियाकस करी हुई, ये आपकी इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा बॉडी में और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर हम डालेंगे इसके अंदर कड़ी पत्ता, जो कि है आपके फाइबर कंटेंट से भरा हुआ, आपको फुलनेस की भी फीलिंग देगा और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही इसके अंदर, और ये भी घर की जमाई हुई प्लेन कर्ड है, इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं है। फिर हम एक ग्लास भर के इसके अंदर डालेंगे पानी, और बस अब देखिए इसको ब्लेंड करने का समय आ गया है। मैं अपनी छाछ में नमक डालना पसंद नहीं करती, क्योंकि जो अर्दी फ्लेवर्स हैं हमारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस इसके अंदर जो डाले गए हैं, उन सब का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अब इसको इतनी देर तक ब्लेंड करना है कि एकदम फ्रॉथी सा एक मिक्सचर तैयार हो जाए। कहा था ना आप सबको कि झटपट बनके तैयार होने वाली रेसिपी है, तो इसे जरूर ट्राई करिएगा, ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, ये देखिए बढ़िया सा स्वादिष्ट सा टेस्टी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लंच है बनके तैयार। अब इसको कौन नहीं पीना चाहेगा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कलर्स इतने अच्छे हैं, लगता है इसमें खूब सारा न्यूट्रिशन है, और क्यों नहीं। और हाँ, इसका टेस्ट ऐसा कि आप बार बार बना के खाना चाहेंगे। तो पहले तो जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो मेरी स्पेशल ग्रीन वेजिटेबल स्मूदी की रेसिपी है, जिसको मैं आज शेयर करूंगी आप सबके साथ में, वन ऑफ अ काइंड रेसिपी है। ये देखिए, इसके अंदर खूब सारी बोल भर के मैं डाल रही हूँ स्टीम्ड वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने चंद लहसुन की कलियां भी स्टीम कर ली थी सब्जियों के साथ में। अब घर में जितनी भी सब्जियां हैं आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे से स्टीम कर लीजिए, क्योंकि सब्जियों की अच्छी सी उसके अंदर एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है और ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की बनती है। और तो और इन सब्जियों के अंदर न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे उबले हुए आलू। यहाँ पे मैं सिर्फ 50 ग्राम यानी कि बहुत ही छोटे साइज का आलू ले रही हूँ बिना छिलके के। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा सोर्स है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी ओट्स पाउडर, जो कि है भुना हुआ पिसा हुआ ओट्स का पाउडर। अब यहाँ पर आप कोई भी ओट्स लेंगे कोई बात नहीं, हमने सिर्फ 2 चम्मच यूज करना है। फिर हम डालेंगे इसके अंदर हरा कलर देने के लिए खूब सारा हरा धनिया। अब इसके अंदर फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है और इसका जो फ्लेवर आता है वो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेबी स्पिनच, ये मेरे गार्डन की ही है। तो अगर आप लोग भी बेबी स्पिनच, धनिया, पुदीना, ये सारी जो हर्ब्स हैं अपने ही गार्डन में उगाएंगे, तो रोज किसी ना किसी बहाने खाने का भी मौका मिलेगा। तो बस अब पानी डाल के इसको ब्लेंड करने का समय आ गया है, लेकिन सीजन करे बिना नहीं। हल्की सी काली मिर्च और हल्का सा नमक, बहुत ही सिंपल सीजनिंग रखेंगे, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं। जो वेजिटेबल्स हैं उन्हीं का फ्लेवर अपना इतना बढ़िया है कि और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे कच्ची सब्जियों का भी जूस ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ वेजिटेबल्स जो हैं वो स्टीम्ड ही हों। मेरे को लगता है कुक वेजिटेबल्स थोड़ा सा इजी है डाइजेस्ट करने में, और तो और जिन लोगों को एसिडिटी, ब्लोटिंग, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी स्टीम्ड वेजिटेबल्स ही बेटर ऑप्शन है। तो पूरे दिन में अगर आप लिक्विड डाइट ले रहे हैं, इस तरह का लंच जो है आपको बड़ी ही फुलनेस की फीलिंग देगा, लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। तो अगले 3-4 घंटे तक तो हो गया। अब बस इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़ी सी बीटरूट डाल देते हैं ऊपर से। तो दोस्तों, अब है आपकी इवनिंग टी का टाइम, लेकिन इस डाइट में नो टी नो कॉफी इज अलाउड। इसमें आपने लेनी है ये वाली स्मूदी, बहुत ही टेस्टी है, इतनी क्रीमी, इतनी डिलीशियस कि आप लोग बोलेंगे भाई वाह, मजा ही आ गया। तो ये है मेरी फेवरेट स्मूदी, आइए जल्दी से दिखा दो आप सबको इसकी रेसिपी। झटपट मिनटों में बनने वाली सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स वाली ये स्पेशल स्मूदी बड़ी ही आसान है, सस्ते दामों पर घर में बैठे बैठे अपना पेट भरने का बेस्ट ऑप्शन है।
इसके अंदर हम ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सेहतमंद है। हम डाल रहे हैं इसके अंदर बोल भर के पपीता और एक पूरा एप्पल। और बस इसके अंदर अब मैं डालूंगी दालचीनी, दही और मैं डालूंगी थोड़ा सा हनी। हनी मैंने लिया है एक छोटा चम्मच। पानी डालेंगे और बढ़िया सा ब्लेंड मिश्रण बना देंगे इसका। और हाँ, एप्पल आपने सिर्फ छिलके के साथ ही लेना है, उसी में उसका फाइबर होता है। और अब हम डाल देंगे सोक चिया सीड्स। यहाँ पर भी मैं एक चम्मच भर के इसके अंदर डाल रही हूँ। अब ये जो स्मूदी है इसको तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। अब मेरी घड़ी में बज रहे हैं 7 और ये राइट टाइम है आप लोग का डिनर लेने का। तो जल्दी से आके इस मजेदार गर्मा गर्म सूप की रेसिपी देख लीजिएगा मेरे नए चैनल डाइट रेसिपीज बाय नताशा मोहन। उसका लिंक मैं यहाँ भी शेयर कर रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। जल्दी से आके देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनका आपने ध्यान रखना है इस डाइट को फॉलो करते टाइम। आप लोगों ने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना और पूरे दिन में पानी कम से कम 3 लीटर पीना ही पीना है। और हाँ, लास्ट मील आपका होएगा 7 और 8 के बीच में, उसके बाद में कुछ भी नहीं। सुबह उठ के फिर से इस डाइट प्लान को आप रिपीट करेंगे 2 दिन तक। 2 दिन से ज्यादा इस डाइट प्लान को ना करिएगा। आई विल सी यू सून। कॉमेंट करके बताना ना भूले आप लोगों का कितना वजन कम हुआ।